खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां आज यानी 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर रामनगरी में 10 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया। नया घाट बंधा तिराहे से लेकर आसपास के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ा रहा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा मैया के जयकारे लगाए। आपको बता दें कि 18 नवंबर से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो गया था। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस भीड़ नियंत्रित कर रही है। वहीं अयोध्या के अन्य मंदिरों में भी जयकारे गूंज रहे हैं। बता दें कि स्नान आज शाम तक चलेगा। दरअसल सुबह 3 बजे से ही सरयू स्नान के साथ नागेश्वर में अभिषेक और हनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुँचने लगी। नागेश्वर नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार और गर्भगृह के सामने संकर स्थान होने से श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने में पुलिस लगी है। नया घाट बंधा गृह लेकर हनुमानगढ़ी की चौखट तक भीड़ के कारण पैदल चलना मुश्किल है। रामलला का दरबार खुलते ही वहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता रहा। एसएसपी शैलेश पांडे खुद मेला इलाके में डटकर पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य मार्ग के साथ गलियां भी श्रद्धालुओं से भरी है। श्रद्धालुओं का आगमन देर रात तक जारी है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज चल रहा है और अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो अयोध्या जनपद के हैं तथा आसपास के जनपद तथा स्टेट के बाहर के भी काफ़ी श्रद्धालु यहां पे स्नान कर रहे हैं। और स्नान करने के उपरांत जो है ये विभिन्न मंदिरों जैसे श्री नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री रामलला मंदिर, श्री कनक भवन मंदिर इत्यादि में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसमें सिविल पुलिस, PSC, RAF की डिप्लॉयमेंट की गई है, ATS की टीमें हमारी लगी हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे इसके लिए ट्रैफिक की भी डिटेल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की गई है। सादे में भी फोर्स लगाई गई है, पुरुष और महिला सादे में भी, जिससे कि किसी भी तरह की छेड़खानी या चेन स्नैचिंग इत्यादि घटना न होने पाए। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है।